वालेकुम, कैसे हैं आप सब और कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के दिन? अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं पाया पहन के जा रही हूँ कहीं। कहाँ जा रही हूँ मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों को याद है तो। आज मैं आई हुई हूँ अबू धाबी और सुबह सुबह मैं गई थी म्यूज़ियम, आप लोगों को जाके म्यूज़ियम दिखाया है। और अभी वही दिन चल रहा है लेकिन वीडियो दूसरी है। अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पर जो एक बहुत ही फेमस मॉस्क है वहाँ पर, शेख जैद ग्रैंड मॉस्क, वो आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अभी ये एक शॉपिंग मॉल है तो यहीं से मैंने जाना है, तो लोग पिक्चर्स बनाए तो इधर से ही मैंने जाना है ना, इधर से ही आगे थोड़ा जाना है, फिर लेफ्ट राइट पता नहीं किधर जाना है। सो यही रास्ता यही है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी तो इसलिए सोचा कि शॉपिंग मॉल के अंदर आते हैं, फिर यहाँ से जो है जाते हैं आगे मस्जिद की तरफ। मैं इधर पिन लगाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, बाइट दो भी बहुत ज़्यादा है, हर क्लास की तैयार हो गई है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि यहाँ का जो ड्रेस कोड है वो क्या है, ये आप लोग ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि दुबई में ना पूरे इधर अबू धाबी और इधर दुबई में जो है सबसे बड़ी मस्जिद है ये, और बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। आप लोगों को दिखाना जो है वो ज़रूरी थी तो इसलिए मैं आई हूँ। तो अभी बस यहाँ से चलते हैं अंदर, और ये है यहाँ से मॉस्क की एंट्रेंस। आज आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वीडियो में हरी जो है मेरी वीडियो बना रहा था, तो अभी भी वीडियो जो है वही बनाएगा मेरी। जल्दी से अंदर जाए, मुझे इतना शौक था ना इधर आने का, इस मस्जिद को देखने का। के नॉट वेट टू गो इनसाइड। अभी जो है मैं पहुंच जाई हूँ, यहाँ पर मेरे को देख सकते हैं प्यारी सी मस्जिद। और अभी ना यहाँ पे मौसम भी अच्छा हो चुका है, अभी ना हवाएं चल रही हैं हल्की हल्की सी, ठंडी ठंडी थी, तो चलते हैं आगे आप लोगों को दिखाते हैं। और ये जो मस्जिद है ना, इसका जो बाहर का कलर है ये मार्बल है, वाइट मार्बल है, ये मार्बल से बनी हुई है सारी, और बाहर से ये कुछ इस तरह से काफ़ी बड़ी है ये। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर सबसे बड़ी मस्जिद है, और आपको पता है कि इसको बनाने में कितना टाइम लगा है? इसको बनाने में 11 साल लगे हैं, लाइक 11 इयर्स इनको लगे इसको बनाने में। और ये अभी जो है मैं एंटर हो चुकी हूँ यहाँ पे, और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी मस्जिद है ये, बहुत प्यारी माशाल्लाह। अच्छा सामने मैं देख रही हूँ, वीडियो बनाती हूँ, मैं कह रही हूँ इधर सामने ही देखती रहूँ। ये देखें आप लोग माशाल्लाह। आप इसका यहाँ पे डिज़ाइन देखें, इंटीरियर देखें, हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे सारी लाइट्स ऑन हो गई हैं। अभी शाम का टाइम है ना, इसलिए वीडियो बहुत प्यारी आ रही है। यहाँ पे ना ये जो कलर है ये बहुत प्यारा है, वाइट और गोल्डन कलर, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है।太美了。
और अभी रात हो चुकी है और आप लोग देखें शाम का मंजर यहाँ पे। अभी जो मगरिब की अजान हो रही थी, नमाज हो रही थी, और अभी हम लोग बाहर निकल आए। तो गाइस अभी मैं देख के मस्जिद जो है वापस आ गई, और मेरी फीलिंग मैं आप लोगों को अपने वर्ड्स में नहीं बता सकती। मैं मेरे पास वर्ड्स ही नहीं बताने के, लाइक कि मैं इतनी सारी जगह गई हूँ घूमने के लिए, हर जगह गई हूँ, लेकिन ये जो जगह मैंने देखी, ये मस्जिद, लाइक इतनी प्यारी मस्जिद, इतनी पीसफुल। तो मैं ये सोच रही थी कि लाइक ये एक मस्जिद है, ठीक है, आम सी, जब हम लोग जाते हैं उमरा के लिए, हज के लिए, जब हम लोग जाके खाना काबा देखते हैं, उमरा के लिए लोग जाते हैं हज के लिए ना, तो उनकी क्या फीलिंग होती होगी। लाइक मैं, मुझे ऐसे फील हुआ जैसे कि मैं बस अब जाऊँ उमरा करने के लिए या हज के लिए, मैं लाजमी जाऊँ, क्योंकि ये देखे ना मुझे एक ऐसी फीलिंग आई, ऐसी पुरसकून, मैं आप लोगों को अपने वर्ड्स में नहीं बता सकती कि मुझे ना किस तरह की फीलिंग आई यहाँ आके, बहुत अच्छा लगा मुझे आके ना। तो सोचें अगर हम उमरा हज के लिए जाएँ तो हमें कैसी फीलिंग आएगी, सच में इस तरह की जगह ना मैंने इससे पहले नहीं देखी। बस मैं यही कहूँगी, बहुत मुझे अच्छा लगा जाके, सच में मेरा दिल खुश हो गया। अगर आप लोग आते हैं ना यहाँ पे, तो मैं कहती हूँ लाजमी यहाँ कहीं जाते हैं, जाएं ना जाएं, जो भी करें, लेकिन यहाँ पे आप ना लाजमी आए मस्जिद देखने के लिए, कि आपका दिल खुश हो जाएगा सच में। और जब मैं वीडियो बना रही थी ना वहाँ पे मस्जिद की, तो इससे मैंने इतना ज़्यादा वहाँ पे बोला नहीं, क्योंकि उन्होंने मना किया था कि आप बहुत ज़्यादा इसको जो है इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते कि ये मस्जिद क्या है, इसके अंदर क्या क्या है, मतलब वो वहाँ पर उन्होंने मना किया था। इसलिए फिर वीडियो के दरमियान में शायद बहुत सारी जगह आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो बस मैंने यही कहा कि आप लोगों को सिर्फ दिखा दूँगी ये कैसी है। और मस्जिद का जितना भी इंटीरियर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, हर चीज़ परफेक्ट, लाइक कलर कम्बिनेशन वाइट गोल्डन, बहुत ही प्यारा, आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया है, मतलब मैं तो पूरी वीडियो में यही कही जा रही हूँ, खूबसूरत खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, सच में दिल खुश हो गया आके यहाँ। और अलग मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी ना, मैं सुबह सुबह आई थी, आप लोगों को बताया है सुबह जो वीडियो म्यूज़ियम में जाके बनाई है, पूरा दिन उधर लग गया, ऊपर से इतनी गर्मी, फिर उसके बाद मैं इधर आई हूँ, लेकिन अभी जैसे लग रहा है मैं थकी भी नहीं हूँ, ये सारा देख के ना मैं इतनी खुश हो गई हूँ, मतलब मुझे लग रहा है मैं ज़रा भी नहीं थकी हुई, इतना मतलब अच्छा फील हो रहा है, थकावट सारी गायब हो गई ये देखने के बाद। सो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये जगह आपको कैसी लगी। और हाँ, मुझे एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछना है, वो ये है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता होगा, ठीक है, अबू धाबी में, कि मैंने सुना कि मस्जिद में अजान हो रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे लोग जो हैं वो नमाज के लिए आते हैं या नहीं, मुझे प्लीज़ आप लोग ये बताइएगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं किसी को नमाज पढ़ते हुए यहाँ पे, क्योंकि ये शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं मस्जिद देखने के लिए, शायद अब मुझे नहीं पता नमाज के लिए लोग आते हैं या नहीं, तो आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा जो लोग यहाँ पे रहते हैं जिनको पता है। आज ना ये मस्जिद देखने के बाद अब मेरा सच में दिल चाह रहा है मैं उमरा करने के लिए जाऊँ, और आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे मौका दें मैं जाऊँ उमरा करने के लिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी जो है शॉपिंग मॉल है, ये शॉपिंग मॉल के अंदर है हम लोग, और हरी ने जो मेरी वीडियो बनाई है, हरी थैंक यू सो मच, चंदा नीचे ने था लैला, इसने मेरी इतनी वीडियोस बनाई हैं, इतनी पिक्चर्स बनाई, बहुत थके तो इसने मेरी इतनी पिक्चर्स बनाई हैं, इतनी वीडियोस बनाई हैं, बेचारा ये भी मेरे साथ जो है ना आज ख्वार हो गया, लेकिन हम लोग जो यहाँ आए ना बिल्कुल थकावट सब गायब भाग गई। तो बस अब जो है मैंने वापस जाना है यहाँ से अपने घर वापस, तो हमें यहाँ से जाते हुए शायद एक घंटा लगेगा, तो अब मैं वापस जाती हूँ और मैं अपने घर पहुँच के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। क्यूट सी छोटी सी गाड़ी, प्यारी सी, यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, गिफ्ट्स वगैरह अगर आप किसी को देना चाहें तो दे सकते हैं। तो गाइस अभी मैं वापस पहुंचाई हूँ फाइनली घर, मैं सुबह सुबह निकली थी और अभी अभी पहुंची हूँ, इतना लंबा सफ़र था, खैर इतना लंबा भी नहीं था, एक घंटे का सफ़र था, एक घंटे से ज़्यादा का था शायद, हाँ। तो पहुँच आई अभी फाइनली मैं, और घूम फिर के दो वीडियोस बनाई आज मैंने एक दिन में, तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ये वीडियोस कैसी लगी हैं, और कमेंट करके मुझे बताइएगा।
तो अब बस अब मैं चेंज करूँगी। मेरे पीछे आप देखें मेरी चीज़ें चीज़ें जो मैं साथ लेके गई हुई थी वो पड़ी हुई हैं, और अब बस मैं चेंज करूँगी, चेंज करके फिर मैं सो जाऊँगी। तो अब फिर हम लोग मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। अब इंशाल्लाह मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।